नमस्कार दोस्तों, डिफेंस वर्ल्ड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, भारतीय डीआरडीओ की तरफ से बहुत ही बड़ी न्यूज निकल कर आ रही है। आपको बता दें कि डीआरडीओ ने आज एक ऐसे टेस्ट को अंजाम दिया है जिसे देखकर चीनी मीडिया खासकर के ग्लोबल टाइम के तोते उड़ने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों चीन अभी इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के शुरुआती फेज में काम कर रहा है और वहीं भारत ने इसका टेस्ट भी कर लिया है। और टेस्ट भी दोस्तों कोई ऐसा वैसा नहीं, बल्कि अटैक करने का टेस्ट भारत ने कर लिया है। यानी कि भारत एक बड़े लेवल पर कैसे जमीन पर एक बड़ी स्ट्राइक को अंजाम दे सकता है, ये टेस्ट भारत ने बड़ी सफलतापूर्वक कर लिया है। और अब दोस्तों भारत बहुत ही जल्द इसको अपनी सेना में शामिल कर लेगा और बड़े पैमाने पर इसका प्रोडक्शन किया जाएगा। तो दोस्तों कौन सा हथियार है आपको विस्तार से बताएंगे, आप वीडियो में एंड तक बने रहिए। साथ ही अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि सबसे पहले हमारी वीडियो आप तक पहुंच पाए। तो चलिए दोस्तों सीधे चलते हैं वीडियो पर। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज भारतीय डीआरडीओ ने स्वार्म ड्रोन का टेस्ट किया है। हालांकि दोस्तों भारत इसका टेस्ट पहले भी कर चुका है, लेकिन पहले जो भारत ने टेस्ट किया था वो इसके एक साथ उड़ाने को लेकर किया था, लेकिन अब दोस्तों डीआरडीओ ने जो टेस्ट किया है वो एक अटैकिंग टेस्ट किया है। यानी कि स्वार्म ड्रोन को ऊपर से एक टारगेट बनाकर अटैक कराया गया है और इसको देखा गया है कि इसकी क्या कैपेबिलिटीज रहती हैं। और खास बात यह है कि दोस्तों ये पूरी तरह से सक्सेसफुल रहा है और जहां पर डीआरडीओ को टेस्ट करना था, इसको अटैक करना था, ठीक उसी पोजीशन पर इसको अटैक कराया गया है। और दोस्तों भारत को इसका फायदा ये होने वाला है कि जब भी एक युद्ध की स्थिति में भारत इसका यूज करेगा तो दुश्मन की टेरिटरी में जिस पॉइंट पर जिस सेना पर इसका अटैक करना चाहेगा वहां पर पूरी तरह से अटैक कर पाएगा और ऐसे में सेना या फिर किसी भी बंकर को बड़ी आसानी से पूरी तरह से नस्तानाबूद कर पाएगा। और दोस्तों फायदा इसका ये भी होगा कि चीन जहां पहले फेज में अभी इस पर काम कर रहा है, वहीं भारत ने इसको पूरी तरह से टेस्ट कर लिया है और बहुत ही जल्द इसका बड़ी मात्रा में प्रोडक्शन किया जाएगा और फिर इसको भारतीय सेना और वायुसेना को सौंप दिया जाएगा ताकि बॉर्डर पर इसका पूरी तरह से यूज कर पाए। हालांकि दोस्तों आपको बता दें कि चीन के मुखपत्र कहे जाने वाले ग्लोबल टाइम्स को पूरी तरह से यहां पर मिर्ची लग चुकी है और ऐसे में कई सारे लेख यहां पर ग्लोबल टाइम्स की तरफ से आए हैं। दोस्तों यहां पर स्वार्म ड्रोन टेक्नोलॉजी को फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी माना जाता है, क्योंकि आने वाले समय में जितने भी युद्ध लड़े जाएंगे उन सब में यही टेक्नोलॉजी यूज होगी, ना कि किसी भी मिसाइल को यूज किया जाएगा। दोस्तों इस टेक्नोलॉजी के यूज करने से फायदा ये होता है कि आप अगर किसी की मिसाइल को रोकना चाहते हैं तो एक बड़ी संख्या में स्वर्ण ड्रोन को यहां पर भेजकर किसी भी मिसाइल को टारगेट कर सकते हैं। ऐसे में कोई भी देश अपनी मिसाइल को भारत के अंदर नहीं भेज पाएगा। और इनकी दोस्तों काबिलियत ये होती है कि ये एक साथ झुंड में उड़ते हैं, सैकड़ों की संख्या में उड़ते हैं, इस वजह से कोई भी दुश्मन इनको टारगेट नहीं कर सकता। और यही इनकी क्वालिटी होती है कि इतने ज्यादा ड्रोन्स होने की वजह से ये अपने टारगेट को आराम से हिट कर लेते हैं। और दोस्तों जहां पर एक तरफ चीन अपने टैंकों की हमेशा से बॉर्डर पर तैनाती करता हुआ आया है और हमेशा शक्ति प्रदर्शन करता रहता है, तो ऐसे में अब चीन को समझ आ चुका है कि भारत यहां पर स्वार्म ड्रोन को लेकर उसकी टैंक रेजिमेंट को पूरी तरह से खत्म कर सकता है। साथ ही दोस्तों जिस तरह से चीन यहां पर LAC के ऊपर डिफेंस सिस्टम लगाता जा रहा है, उसको लेकर भी स्वार्म ड्रोन यहां पर बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल होगा, क्योंकि कोई भी डिफेंस सिस्टम इनको नहीं रोक पाएगा। और इसीलिए दोस्तों कहा जाता है कि स्वार्म ड्रोन टेक्नोलॉजी का अभी तक कोई तोड़ मौजूद नहीं है और यही फ्यूचर है। और दोस्तों आज की तारीख में लगभग दुनिया का हर देश इसे डेवलप करने में लगा हुआ है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि चीन को जहां एक तरफ ये लगता था कि सबसे पहले चीन ऐसी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी को डेवलप कर सकता है, तो इस बार भारत ने एक बड़ा काम करके दिखा दिया है और चीन को पछाड़ते हुए यहां पर स्वार्म ड्रोन्स को सक्सेसफुली टेस्ट करके भारत ने एक नया कीर्तिमान बना दिया है। ऐसे में दोस्तों चीन को लेकर यहां पर भारत एक नई रणनीति के साथ आ रहा है और यहां पर भारत एक कदम आगे बढ़ते हुए अपने नए हथियारों का परीक्षण कर रहा है। और दोस्तों यहां पर भारतीय वैज्ञानिकों की मेहनत का नतीजा है जिसकी वजह से DRDO लगातार परीक्षण पर परीक्षण करता जा रहा है। ऐसे में दोस्तों आपका इसको लेकर क्या मानना है, आप अपना व्यू हमें कमेंट पे लिखकर बता सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।